कोई भी 30 साल का मेरे साथ आ गया 24 घंटा काम नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। अभी लोग तो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं जी जी, अपने बेटे को कह सोजी भाई जैसा बनाऊ, तो 3 घंटे में वो पसीना लेके घर पे चला जाता है। ऐसे ही नहीं बन सकता। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जैसा बताया, मैं ऐसा बहुत सिंपल हूँ, आपको कोट, ये लोग सब कोट पहन के आया तो मैं भी कोट पहन, आज भी मैं वही हूँ, ये लोगों को लगे अच्छा इसीलिए मैं कोट पहनता हूँ, बाकी मैं तो जो हूँ ना वो ही पसंद करता हूँ। इतने बरसों में पहली बार मैंने सब्जी काका को कोर्ट में देखा है, पहली बार। ये वास्तविकता है यार, और सूरत में मैं पहनूं तो वो लोग तो मेरे को सब जानते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत अच्छी बात, आज पहली बार एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस में आई है और अभी तक किसी को कभी नहीं बताई। मैं बताऊंगा वो अंदर से निकलती है, मतलब के मैं कभी स्मार्टली नहीं बोलता, हार्डली बोलता हूं, जो अंदर से निकलता है। मैंने आज तक कभी कोई प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं किया क्योंकि मेरा इंटेंशन क्लियर है, प्रेजेंटेशन जो बताता हूं, जो करता हूं वही बताता हूं, जो बताता हूं वही करता हूं, गलती से बता दिया करना चालू कर देता हूँ, यही मेरा रूल से, और कोई बात स्पेशल नहीं है। जो जीवन में कहां भी जाओ, बहुत अच्छी बात बताई, 2000 पुस्तक आपने, बड़े बड़े सब लोगों ने जो स्टडी किया, पुस्तक पढ़ा, वो वही सही बात है, लेकिन इसका सीक्रेट बता दूं, 2000 में से एक भी पुस्तक जीवन में उतारेंगे नहीं तो जहां है वहां ही रहेंगे, डाउन हो गए लेकिन आगे नहीं जाएंगे। पढ़ा 5 में से 4 मैंने पी लिया है, जो भी लगा हुआ अंदर ले लिया है और उसका इंप्लीमेंट चालू किया, कितना भी प्रोग्राम करेंगे कुछ होने वाला नहीं, जो जीवन में उतारेंगे नहीं तो लो जहां हो वहां ही रहेंगे। ये इसकी बात में मेरी बात शुरू करता हूँ क्योंकि लोगों ने मेरे को 15 मिनट दिया है। अभी बार लोग मेरे को 15 मिनट देते हैं तभी मैं बोलता हूँ, क्या मैं नवरी बाजार हूँ तो 20 मिनट यूज कर दिया, वो बात भी काफी काम है। लेकिन मैं हंसाता हूँ क्योंकि मेरी बात में हंसी तो आएगी। तो मैं 5 अपनी जीवन का जो उसने बताया, 15,000 की सैलरी थी और आज 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख पे, 1 लाख पे हम पहुंचे हैं, उसकी 5 रहस्य है, मैं जहां पहुंचा हूं उसका भी 5 रहस्य है, उसमें आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और बहुत बढ़िया है, जीवन में बहुत हमको तो मदद मिला है और काफी बार हमको भी निराशा, हताशा, डिमोटिवेशन हुआ है, लेकिन ये 5 बात ने मेरे को चार्जिंग कर दिया है। मैं आशा रखता हूँ सूरती, वैसे तो सूरत की धरती है, कर्ण की धरती है, इधर हम लोग तो 45 साल पहले आए, खुश हुए, जितना संत लोग है ना वो भी सूरत में आके बड़ा होता है, जितना मोटिवेटर है ना वो भी सूरत में आके बड़ा होता है, और जितना बिजनेस में आते हैं सूरत में ही बड़ा होता है। ये धरती का, ये कर्ण की धरती है, देने वाली धरती है, कुछ मिले या नहीं मिले सबको मान दो, पैसा दो, इज्जत दो, और ये साल तो सूरत ने नरेंद्र भाई को भी खुश कर दिया। ये सूरत है, किसी को भी देते हैं, इसलिए मेरे को भी बहुत सूरत ने दिया है। सूरत का ऋण राइट थी 10 जन्म तक अपने ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारे पास 12.5 रुपया टिकट में सूरत में आया था और आज 12,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है। ये सूरत की धरती का कमाल है। तो मैं चाहता हूँ आपको भी ये 5 सूत्रों में से जो जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है अमरीका है कि अमेरिका का है, पढ़ा लिखा है कि अबन है, कोई मैटर नहीं है,
आदमी तो है ना, हेलो इनफ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। ये पांच सूत्र बराबर याद रखते, मैंने पहले बोला आई एम द बेस्ट, मैं एक श्रेष्ठ आदमी हूँ, एक श्रेष्ठ बेटा हूँ, एक श्रेष्ठ पिता हूँ, एक श्रेष्ठ नागरिक हूँ, एक श्रेष्ठ पति हूँ, एक श्रेष्ठ पत्नी हूँ, एक श्रेष्ठ बहन हूँ, हम बेस्ट है, आई एम द बेस्ट। ये हमारा दिमाग में भूत की तरह घुस जाना चाहिए, आई एम द बेस्ट। हम डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, हम नियति के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी से बुरा नहीं करेंगे, आई एम द बेस्ट। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। मैंने भी ये पी लिया, मेरी फैक्ट्री में आके हरेक लोगों को ये बता दिया है, हरेक को मैंने हनुमान को जगाया कि तू हनुमान है, जैसे राम ने जगाया, तो सब लोग करने लगे। एक आदमी 25,000 50,000 लाख का काम करता है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा मैंने उसको ठोस ठोस के भर दिया है, आई एम द बेस्ट। वो बेस्ट काम करते हैं, जैसे दूसरा है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ, एक दूसरा कर सकता है, तो मैं हम अपने आप को कमजोर समझ, मैं नहीं कर सकता, मैं नीचा हूँ, मैं ये कास्ट का हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, नहीं आई कैन डू इट, डजंट मैटर, सब मेरे को कुछ इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश वाला मेरा गुजराती करने लगी है। अभी लास वेगास का प्रोग्राम था, ये 5 साल लास वेगास में मैंने बताया, 5 ये सूत्र लास वेगास, मेरा पद्मश्री मिला तो सब लोगों को तो ऐसा लगता है इसको सब कुछ आता होगा, कुछ आता नहीं है, उसको पता नहीं। तो लास वेगास में काफी इंग्लिश वाले थे, लेकिन वो लोग हंसते थे, मैं उसका चेहरा देखता था, उसको पता चलता था कि उसने बहुत बढ़िया बताया है, लेकिन मैं पूरा समझ नहीं पाया, तो बाजू वाले के बाद क्या बोला समझ लेता था, यही बात है, आई कैन डू इट, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने पे अभिमान होना, स्वाभिमान होना चाहिए, ये गर्व होना चाहिए, ये ऐसा कमजोरी मत आंको, मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, मेरे को किसी ने मदद नहीं किया, कोई करने वाला नहीं है, सबको मदद चाहिए, तेरे को कहां से करेगा, हेलो इधर कोई नौरा नहीं है, सभी भीड़ में है, तू भी भीड़ में है, चल सके तो चल, आपको आपके ऊपर एहसान करने का है, किसी के ऊपर एहसान नहीं करने का है, आई कैन डू इट। मैं इसका रेफरेंस दूं आपको, आपको ऐसा लगता है ना कि कौन नहीं सक्सेस होता है, मालूम है, दो लोग, कौन सा, एक आलसू, हेलो आलसी, और दूसरा जो रिक्स नहीं लेता है, और तीसरा जो मेहनत नहीं करता है। आप इसमें देखो, नरेंद्र भाई सूरत में थे, गुजरात में थे, काफी बार फोटो आता है, अडवाणी बोलते हैं और वो ऐसे सुनते हैं, आपने देखा, सबने फोटो मीडिया में देखा, यही था ठीक, लेकिन हमने देखा नहीं है, नसीब नहीं है, इसने कितनी मेहनत की है हमको पता नहीं है, 18 घंटा मेहनत करता है, 3-4 घंटा सोता है, साल में 2 बार उपवास करता है, और सलाह हम उपवास करते हैं ना तो फराह का लाइन लगा देते हैं, तो पानी के ऊपर ये रहता है, उसका आर्डर देखो, इसकी मेहनत देखो, इंटेंशन देखो, इरादा देखो, आलस आई नहीं कभी, इतनी फैसिलिटी, सपन भोग खा सकते हैं हम, तो भगवान को सपन भोग दिखा सकते हैं, तो खाता होता तो कोई देता नहीं, ये सही है, ये सपन भोग खा सकता है, फिर भी पानी के ऊपर 9 दिन का उपवास करते हैं, आज तक कभी उसके चेहरे पे कभी किसी ने निराशा नहीं देखी, हताशा नहीं देखी, प्रॉब्लम नहीं देखी, इसके ऊपर प्रॉब्लम कब है, इसके पास तो जत्था बंद प्रॉब्लम है,
चला कभी निराशा नहीं देखा। आप इसका बॉडी लैंग्वेज से देखो, इसमें सीखो आप, मैं भी सीखता हूँ हर रोज उसको, जब भी मैं मिलता हूँ कुछ एनर्जी मिलती है। हाँ, इसको कभी हटा, कभी बंगासा खाते हुए देखा, खाते हुए देखा, वापस बंगासा, ये आला साथी तुम्हारे में बंगासा आवे, किसी ने देखा, चलो मेरे को व्हाट्सएप पे दिखाओ, 1,00,000 रुपया दूँ, 1,00,000 रुपया, कोई बंगासा खाली दिखा, क्या उसको आलस नहीं आती होगी? 4 बजे उठ, अच्छा है रिजल्ट आ गया, इसलिए मेरे को ये दाखला बराबर देना मजा आया, वरना बोले उसका प्रसार कराए। मेरे प्यारे देशवासियों, सीखने का है हमको, तो सीखने का है, इसमें से हम क्या लें? आप चाहे नरेंद्र भाई बन सकते हैं, हेलो आई एम द बे, आई कैन बी, और तीसरा सूत्र है गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा आपके साथ है। कितना भी डेंजर निर्णय नरेंद्र भाई ने लिया, भगवान हमेशा साथ है। रिक्स वाला निर्णय लो, सही हो जाएगा, इतना भी निर्णय, लेकिन इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, किसी का बुरा करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आई एम द बे, क्योंकि पहला सूत्र पर जाने का, निर्णय गलत नहीं होना चाहिए, इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए, तो ही भगवान हमारे साथ रहता है। कोई देखते नहीं है और लाखों करोड़ों रुपया मिल जाए, हमारा हक्का है नहीं है, तभी समझने का इंटेंशन क्लियर है। रेलवे स्टेशन में जाओ और डब्बे में जाओ, बाथरूम में जाओ, तभी लाइट बंद करने का सपना आवे ना, तभी समझते क्या आई एम द बेस्ट। हेलो, होटल में जाओ और होटल में जब भी बाहर निकलो तो एसी बंद करो, लाइट बंद करो, और नाने का रुमाल से बूटा मत साफ करो, तभी समझते क्या आई एम द बेस्ट। हम सबका एक्सपीरियंस है, हम बूट साला लाके अपना रुमाल से ही बूट साफ करते, दूसरा नहीं आने वाला, यही हमारी कमजोरी है। आई एम द बेस्ट, हम ये सब छोटी छोटी चीजें, गॉड इज ऑलवेज विद यू, भगवान देखते हैं, कौन आदमी नहीं वो वचन पालेगा, किसको मैं प्रमोट करूं? ये नरेंद्र भाई को सीट दी क्या चमत्कार है, उसको पता है भगवान को भी ये ही न्याय करेगा, आज नहीं तो कल, इसको ही चमत्कार मिलता है। मैं चाहता हूं ये 5 सूत्र बहुत सिंपल है, दुनिया में जहां भी मैं जाता हूं एक ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई बात है। मैं काफी बार अपनी फैक्ट्री में भी बोलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन किसको आता है वो मेरे को पता है। मैं इसको काम दे देता हूँ, हम तो हमारी पूरी फैमिली की, पूरी एरिया की, पूरी सूरत की, जैसे जिम्मेदारी हमारे पे हम पूरा कंट्रोल में रखते हैं, कहां से हम ग्रोथ होंगे, अपने पे जमी, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं, वही मेरी जिम्मेदारी। हमारे पास कोई जिम्मेदारी, हमारी कंपनी में, सही बता रहा, मेरी कंपनी में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, वही मेरी जिम्मेदारी। यही हम यही सत्य है, गॉड इज ऑलवेज विद मी, और चौथा मेरा है आई एम द विनर, आज नहीं तो कल, मैं भीन होने वाला हूँ, मैं भीन होने वाली हूँ, कोई दुनिया की ताकत मेरे को रोकेगी नहीं। ये वहम रखो, ऐसा पावर रखो, ऐसी सोच रखो, जब भी फेल हो गए तो भी सोचने का आई एम द विनर, क्योंकि फेल वही होता है जो विन होता है। कोई जिंदगी में कोई फेल हुआ नहीं, वो कभी विन कहां से होगा? लो, कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो विन कहां से होगा? कोई भी सक्सेसफुल आदमी देखो, इतिहास देखो, रिकॉर्ड देखो, वही सक्सेस है वो जो बार बार फेल हुआ लेकिन का विल पावर कभी नहीं टूटा है। आई एम द विनर, चौथा आई एम द विनर, और पांचवा है टुडे इज माय न्यू डे, फॉरगेटिंग कल की बात, टुडे इज माय न्यू डे, आज से ये प्रोग्राम करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद मैं कल से क्या करने वाला हूँ? इतना पैसा भी गया, इसका समय भी गया, मेरा समय भी गया, लो मैं तो पैसा लेता नहीं है, तो पैसा लिया उसका तो वादा नहीं है, लेकिन मेरा समय बिगड़ा मतलब पाप किया। आप इसमें से कुछ नहीं लेंगे तो टुडे इज माय न्यू डे, फॉरगेटिंग कल की बात, कल से मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा शेड्यूल होना चाहिए, मेरा प्लान होना चाहिए, सुबह में कितने, सबको पता है कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे उठते हैं? सबको पता है क्या खाना चाहिए, क्या खाते हैं? अभी बाहर जाके पानी पूरी की लाइन में जाए,
सबको सब कुछ पता है, किसी को कोई पता नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आज ये कोई भी प्रोग्राम या तो कोई भी बुक पढ़ने से एक नोट करो और एक लिखते जाओ मैं कल से क्या करने वाला, तो ही रिजल्ट मिलेगा। मैंने बहुत कम प्रोग्राम किया है लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सुना है, लेकिन मेरे को जो पसंद है वो सब मैंने जीवन में उतारा है और दूसरे दिन इम्प्लीमेंट चालू किया। समझी काका, एक बहुत सरस सवाल मारा मन में आवे छे जो एनो जवाब करके गया बहुत बड़ा लोगों, बहुत सारे लोग इंडिया के कोने कोने से आए हैं, तो एक सवाल मेरे मन में आता है, आप हर महीने अपने वहां कोई ना कोई ट्रेनर स्पीकर संत महात्मा को बुलाते हैं और अपने स्टाफ को भी बहुत कुछ सिखाते हैं, ऐसा क्यों, आपका इरादा क्या है उसमें? हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये हमारा प्लस पॉइंट था। नया कुछ सीखने का रह नहीं, आज में टेक्नोलॉजी क्या लाई है, आज मैं नया क्या करूं, आज मैं नया क्या, ऐसा कोई दिन नहीं है कि नया कोई सुना नहीं और इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो भी पसंद आया, क्योंकि बेटे को साथ में रखता हूं मैं, ज्यादातर जाता हूं तो बेटे को साथ में रखता हूं, वो बार उसको पसंद आया मेरे को पसंद आया कंफर्म हो गया और इम्प्लीमेंट कल से वो चालू करे, मेरे को तो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करने का है, उसको करने का है। मैंने बताया कि मेरे पास, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि इसको पता है। मैं यही करता हूँ, मुझे तुरंत दूसरे, हमारी फैक्ट्री में 30 साल से मैं गोविंद काका के साथ रहता था, मेरा चाचा एक दूसरा मंजी काका, दोनों टॉप नाम थे सूरत में। सब 360 दिन जब भी वो बेडरूम में जाते थे तभी मैं अकेला होता था। सही, और मंजी काका मेरा चाचा है, टॉप नाम था, सब लोग जानते हैं। 20 साल पहले उसके सुनने के लिए वो आता थे, 200 लोग 2 बजे रात को 2 बजे तक लाइन में बैठते थे, आज मंजी भाई कुछ नया बताएगा, हम लोग उसकी लाइन में बैठते थे। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिताया और उसकी बात में से जो सीखा अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया, कुछ नहीं किया, यही किया इम्प्लीमेंट। मेरी कंपनी में मेरी टीम जो मेरा भाइयों है वो मेरे को भगवान की तरह मान रहा है, मैं बोलू दिन तो दिन, बोले रात तो रात, मैं जो भी बात सीख के आता हूँ उसको बता देता हूँ और दूसरी बात सीखने चला जाता हूँ, वो इम्प्लीमेंट चालू कर देता है, मेरा रिजल्ट चालू हो जाता है। ये सच नहीं है। और दूसरा, मेरा दूसरा दिन ही मैं जहां भी जाता हूँ वही बात करता हूँ तो मेरा रिपीटेशन चालू हो जाता है, मेरा कंफर्मेशन चालू हो जाता है, मैं भूल नहीं जाता हूँ, जो करता हूँ वही कहता हूँ, कहता हूँ वही करता हूँ। ये सब सिंपल सी बात है लेकिन अपने जीवन में बहुत बड़ा संस्कार, बहुत बड़ा। मैं आशा रखता हूँ आपके जीवन में भी बड़ा अच्छा संस्कार हुए, लेकिन ये 5 सूत्र याद रखे, कौन सा पहला, कौन सा आई एम द, दूसरा आई कैन, always with me, चौथा आई एम द, पांचवा टुडे ही माय न्यू डे, ये पांचवा याद रख के जाओ और हर रोज सुबह में ये 5 सूत्र बोलो, जीवन में चमत्कार होगा, काफी सऊजी भाई गोविंद भाई पैदा हो जाएंगे। धन्यवाद। मजा आया।